दोस्तों सन 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर तो आपने देखी होगी। इस फिल्म में मिथुन दा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यही वो फिल्म थी जो उनकी पहचान बनी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई और ये 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया और अपने किरदारों से फेमस भी हो गए। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इस फिल्म के कलाकार आज कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? अगर आप ये बातें नहीं जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फिर। नंबर 5, बेबी पिंकी। इस फिल्म में बेबी पिंकी यानी दीपिका ने छोटी रीता का किरदार निभाया। उस समय ये केवल 5 साल की थी, पर इतनी कम उम्र में भी इन्होंने शानदार एक्टिंग की। इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया और गलत फिल्मों के चयन के कारण इनका करियर खत्म हो गया। इन्होंने फिल्म जगत से दूरी बना ली। आज ये 27 साल की है और फिल्मी जगत से दूर है और अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन बीते सालों में इनमें ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। ये पहले से ज्यादा सुंदर हो गई और स्टाइलिश भी, जैसा कि इनकी तस्वीर में आप देख सकते हो। नंबर 4, गीता सिद्धार्थ। गीता सिद्धार्थ इस फिल्म में राधा का किरदार निभाते हुए दिखी थी और इन्हें इन्होंने खूबसूरती से निभाया। इस फिल्म में काम करने के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दिया और अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गई। हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से 14 दिसंबर 2019 को इनकी मृत्यु हो गई। आज बेशक ये हमारे बीच नहीं है, पर ये फैंस के दिलों में जिंदा है। नंबर 3, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना इस फिल्म में मास्टर राजू का किरदार निभाते हुए दिखे थे। बहुत ही सुंदर तरीके से निभाया था इन्होंने किरदार। इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, पर तबीयत ठीक न रहने के कारण इन्होंने फिल्म जगत से दूरियां बना ली और 18 जुलाई 2012 को लीवर खराब होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, किम। किम ने इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री रीता ओबेरॉय का किरदार निभाया। अपने इस किरदार के साथ फेमस भी हुई। इस फिल्म को करने के बाद कुछ और फिल्मों में इन्हें ज्यादा काम नहीं मिलने के कारण इन्होंने फिल्म जी जगत से दूरियां बना ली। आखिरी बार 1993 में फिल्म चंद्र मुक्ति में इन्हें देखा गया। लेकिन अगर बात करें इनकी खूबसूरती की तो ये पहले जितनी खूबसूरत और स्टाइलिश है, जैसे कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। नंबर 1, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा ने इस फिल्म में अनिल की मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसकी माँ को गलत इल्जाम में अरेस्ट कर दिया जाता है। वो मेहनत के दम पर बड़ा आदमी बनकर अपनी माँ को इस इल्जाम से बरी कराता है। फिल्म में इनके किरदार को अच्छे से पसंद किया गया और यही इनकी असली पहचान मिली। वर्तमान में मिथुन दा फिल्मी जगत से दूर है। ये जल्दी फिल्मों में कमबैक करने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें इनके लुक्स की तो वर्तमान में काफी स्टाइलिश है। ये पहले जितने हैंडसम दिखते हैं, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन 5 में से किस कलाकार का बदला रूप आपको ज्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना।